अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आपको मेरी शक्ल से लग रहा होगा कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई हुई है और मैं वाकई ही सारा दिन का थका हुआ हूँ। तो क्या करें जी, काम तो करना है ना, काम करेंगे तो कुछ ना कुछ अर्निंग करेंगे ना। तो आपके लिए वीडियो बनानी भी ज़रूरी थी। तो ऑनलाइन अर्निंग सीरीज़ का सिलसिला जैसे कि मेरे चैनल के ऊपर जारी है, तो इस ऑनलाइन अर्निंग सिलसिले के हवाले से मैंने बनाई है जी बायनास से रिलेटेड पहली दफ़ा अपने चैनल के ऊपर एक बड़ी खूबसूरत सी वीडियो। बायनास बांट रहा है जी मुफ्त में टोकन। जी हाँ, मुफ्त में टोकन। और ये मुफ्त के टोकन कौन नहीं लेना चाहता। तो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर सारा का सारा कंप्लीट मेथड जो है उसके बारे में गाइड करना है कि किस तरह से आप बायनास से ये फ्री टोकन हासिल कर सकते हैं, कैसे हासिल कर सकते हैं, किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ मेरे मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, जहां मैं आपको गाइड करूंगा कि किस तरह से आप बायनास के ज़रिए ये ब्लैक फ्राइडे टोकन सेल को एंजॉय कर सकते हैं। ये है मेरे मोबाइल की स्क्रीन और मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से बायनास ने सेल लगाई हुई है, फ्री टोकन हासिल करें, कैसे हासिल करते हैं, किस तरह से हासिल करते हैं, सारा मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो आपने जुड़े रहना है मेरे साथ इस वीडियो के अंदर। मैं आपको एक एक स्टेप गाइड करूंगा और उन स्टेप को फॉलो करके आपने भी उसी तरह से अपने टोकन्स जो हैं वो फ्री में हासिल करने हैं। कैसे करने हैं तो चलिए मेरे साथ हम चलते हैं जी बायनास ऐप पर। तो ये खोल ली है जी मैंने अपनी बायनास की ऐप और इसमें कहाँ जाना है, किस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, उस ऑप्शन पे क्लिक करके किस तरह से हमने फ्री टोकन हासिल करने हैं। तो चलिए आपको सारा प्रोसीजर मैं बताता हूँ। मोर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर एक मोर का बटन, ठीक है, इस तरह का एटमोसफेयर खुल जाएगा। जब भी आप बायनास खोलेंगे आपका होम के बटन के ऊपर क्लिक होना चाहिए और याद रखिए कि आपका बायनास का अकाउंट जो है वो वेरीफाइड होना चाहिए। अगर अकाउंट बनाने का तरीका नहीं आता तो यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने लातादाद वीडियोज़ इसके ऊपर बनाई हुई हैं कि बायनास का अकाउंट किस तरह से बनाते हैं। तो आपने यहाँ मोर के बटन के ऊपर क्लिक करना है, कहीं नहीं जाना, कहीं इधर उधर नहीं जाना और यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करते जाना है, ठीक है। और आपको मैं ज़रा थोड़ा सा शुरू में ही बताता चलूँ, कुछ रिकमेंडेशंस हैं, उसके बाद कॉमन फंक्शंस आ जाते हैं, फिर गिफ्ट एंड कंपेन, ट्रेड, उसके बाद अर्न। अर्न के अंदर जब आप आएंगे, इस अर्न वाले फोल्डर के अंदर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा लॉन्च पैड। लॉन्च पैड के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉन्च पैड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर लॉन्च पैड के ऑप्शन के साथ तकरीबन नीचे चार टैब्स नज़र आएंगे, एक होम, एक लॉन्च पैड, एक लॉन्च पूल और एक हिस्ट्री का। हमने कहाँ पर जाना है, हमने जाना है जी लॉन्च पूल के अंदर। जी हाँ, लॉन्च पूल के अंदर हमने जाना है। जैसे ही हम लॉन्च पूल के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पर दो टोकन नज़र आएंगे। पहले टोकन का नाम है जी साइबर, दूसरे टोकन का नाम है SEI। अच्छा, साइबर टोकन की हिस्ट्री क्या है इसका वाइट पेपर आप पढ़ लीजिएगा। कोशिश करूँगा कि मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका वाइट पेपर दे दूँ। वैसे मैं आपको बताता चलूँ, ये एक Web3 सोशल नेटवर्क प्रोटोकॉल है। इनके टोकन्स हैं डैट इनेबल्स डेवलपर टू क्रिएट सोशल एप्लीकेशन, जो डेवलपर्स को इनक्रेज करेगा कि वो सोशल एप्लीकेशंस को बनाएं। अच्छा, अब इसके अंदर आप किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किस तरह से यहाँ से फ्री टोकन हासिल कर सकते हैं, तो उसके यहाँ पर तीन मेथड हैं। इसकी अभी फॉर्मिंग चल रही है, 23 दिन 4 घंटे और 42 मिनट रह गए हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये FDUST पूल, उसके बाद TUST पूल और उसके बाद BNB पूल, ये तकरीबन तीन किस्म के पूल्स बनाए हुए हैं। अब ये FDUSD पूल और TUSD पूल जो हैं ये हैं स्टेबल टोकन, और BNB से तो आप मुतारिफ ही होंगे, BNB बायनास का अपना टोकन है। अब जिस बंदे के पास BNB है वो BNB को स्टेकिंग पे लगाकर यहाँ से जो है वो पैसे जनरेट कर सकता है। मेरे पास पड़े हुए थे CFX टोकन 79 डॉलर्स के लगभग, मैंने उनको TUST के अंदर कन्वर्ट किया,
ठीक है, TUST के अंदर कन्वर्ट करके। अच्छा, आप TUST के अंदर कन्वर्ट कैसे करते हैं, वो कन्वर्ट का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। होम पे जाएंगे, किसी भी टोकन को कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले चले जाते हैं जी होम के ऊपर। होम में आएंगे हम ट्रेड के अंदर। ट्रेड के अंदर जब हम आते हैं तो ये देखें कन्वर्ट का ऑप्शन लिखा हुआ है। हम यहाँ पर जिस भी टोकन को चाहें एक दूसरे के अंदर मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास TUST पड़ा है तो मैं यहाँ से इसे सर्च कर लूँगा, यहाँ क्लिक करूँगा, यहाँ सर्च बार में TUSD, ये देखें TUSD, क्योंकि मैंने स्टेकिंग पे लगाए हुए हैं इस वक्त मेरे पास ये थोड़े शो हो रहे हैं। तो कन्वर्ट कैसे करना है, हमने किसी भी टोकन को यहाँ पर ऊपर वाले यानी फ्रॉम के अंदर लिखना है, मैक्सिमम का बटन दबाना है, या जितने आपने कन्वर्ट करने हैं उसको नीचे वाला जहाँ BTC लिखा हुआ है, BTC के अंदर जिस भी टोकन से कन्वर्ट करना है आप उसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद प्रीव्यू करवाएंगे, कन्वर्जन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा टाइमर चलना शुरू होगा, वो आपसे कहेगा आप क्या वाकई कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके फ़ौरन बाद ही वो आपको एक ऑप्शन दे देगा जिससे आप कन्वर्जन को आसानी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये है छोटा सा कन्वर्जन का तारुफ कि किस तरह से अगर आपके पास कोई टोकन पड़ा हुआ है जो आप समझ रहे हैं कि वो डीवैल्यू हो रहा है, उसको आप आसानी TUSD के अंदर या FDUSD के अंदर यहाँ से कन्वर्ट करके लॉन्च पूल के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, वो पार्टिसिपेशन कैसे है, वापस चलते हैं, यहाँ से होम पे जाते हैं, होम से मोर पे गए, मोर से आए जी अर्न वाले फोल्डर के अंदर, यहाँ पर यहाँ से लॉन्च पैड के ऊपर क्लिक किया, लॉन्च पैड के ऊपर क्लिक करने के बाद लॉन्च पूल के ऊपर क्लिक किया, लॉन्च पूल के ऊपर क्लिक करने के बाद क्योंकि मैंने आपको TUSD के बारे में बताया कि TUSD के अंदर कन्वर्जन किस तरह से करनी है, तो चलें हम TUSD को ही खोल लेते हैं। यहाँ से मैंने TUSD के अंदर तकरीबन $39 या $40 की जो है वो स्टेकिंग कर रखी है। अच्छा, जैसे ही आप इस स्टेक के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखिए ऐसे ही लिखा हुआ है, स्टेक के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो आपके पास TUSD हैं वो यहाँ शो होने शुरू हो जाएंगे। ये यहाँ पर जहाँ 00 आया हुआ है और मैक्सिमम TUSD लिखा हुआ है, आप मैक्सिमम के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो सारे के सारे स्टेक हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो ये देखें यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से, ये देखें 25, 200 जितने भी होंगे यहाँ से आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, कम ज़्यादा करने के बाद आप स्टेक के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, स्टेक के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी, हाफ फार्मिंग शुरू हो जाएगी, फार्मिंग शुरू हो जाएगी और ये हर एक घंटे की फार्मिंग है। एक घंटे की फार्मिंग के बाद आपका यहाँ पर रिवॉर्ड आपको डेली नहीं बल्कि ऑर्ली रिवॉर्ड जो है यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, वो मिलना शुरू हो जाएगा, किस तरह मिलना शुरू हो जाएगा वो भी मैं सारा आपको तफसील के साथ बताऊँगा। अच्छा, मुझे मिला है वो आपको मैं दिखाऊँगा भी सही। ये तो था जी साइबर प्रोटोकॉल का सिनेरियो कि हम उसे किस तरह से स्टेक करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा नीचे लिए चलता हूँ। नीचे आप देख रहे हैं SEI टोकन है, ये एक Layer 1 ब्लॉकचेन ऑप्टिमाइज प्रोजेक्ट है और है किसके लिए, फॉर एक्सचेंज ऑफ डिजिटल एसेट, यानी डिजिटल एसेट्स को जो एक्सचेंज करेंगे उनमें हमारा ये हेल्प आउट करेगा। इसके अंदर भी सेम यही कहानी है कि हमने जनाब जो है वो यहाँ पर TUSD के अंदर हमने की है, उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट $39 की, और ये देखिए मुझे कह रहा है कि आपके 0.006 SI है जो हार्वेस्ट हो चुके हैं क्योंकि मैंने स्टेकिंग पे लगाए थे। यहाँ पर स्टेकिंग पे लगाने के बाद ये देखें ये आ गए 0.12, ये मेरे वो आपके सामने देखें क्लेम रिवॉर्ड दे रहा है, ठीक है। यहाँ से मैं इसका क्लेम रिवॉर्ड करूँगा, यहाँ से गॉट इट कर लिया है, ठीक। तो यहाँ पर ये भी 30 दिनों के लिए है और ये बता रहे हैं कि मैक्सिमम ऑर्ली रिवॉर्ड जो है वो 6,250 SEI हैं, यानी कि 6,250 SEI हैं, ये तकरीबन हर बंदे को मिलेंगे, हर घंटे में मिलेंगे, और जो एक दिन का है वो तकरीबन 1,50,000 SEI रिवॉर्ड्स हैं। जो लोग भी इन लॉन्च पूल्स के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें कुछ ना कुछ टोकन यहाँ से ज़रूर मिलेंगे। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, मैं यहाँ से होम पर आता हूँ, होम से जी मैं जाता हूँ दोबारा वापस पीछे और मैं आपको लेकर चलता हूँ जी अपने स्पॉट वॉलेट के अंदर। ये देखें ये मेरा स्पॉट वॉलेट और ये मैंने कल ही शुरू किए थे, ये देखें ये आ गए 0.01983 ये साइबर आए हैं और 0.1335 ये मेरे पास SEI टोकन
जो है ये मैंने हार्वेस्ट किया, अभी 26 दिन पड़े हैं। तो भाइयों अगर 10 या 15 भी मुझे मिल जाते हैं और इनकी वर्थ जो है वो $1 भी है, तो यार बैठे बिठाए मुझे $10-15 मिलते हैं एक टोकन के ऊपर। अगर दो टोकनों के ऊपर मिलते हैं $10-15 दूसरे टोकन से भी मुझे मिल जाते हैं, तो मुझे बैठे बिठाए कुछ भी नहीं तो $20-30 मिलते हैं। अब 20 से 30, ये तो मैं मिनिमम राउंड अबाउट एक फिगर बता रहा हूँ, अगर मुझे $30 मिलते हैं तो पाकिस्तान में अगर डॉलर का रेट फर्ज करें 300 रुपये हो जाता है, तो मुझे बैठे बिठाए 9,000 रुपये मिलते हैं। तो मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, ठीक है, मैंने 30,000 से भी कम यानी 25,000-20,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करके उसके ऊपर मैंने 9,000 रुपये कमा लिए, तो काफ़ी नहीं है। तो ये सारी आपको टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो समझ में आ गई होंगी इस वीडियो के अंदर कि हम किस तरह से लॉन्च पूल में जाके वहाँ फार्मिंग करके वहाँ से अपने टोकन्स को हार्वेस्ट करके अपने स्पॉट वॉलेट में लेकर आ सकते हैं। अभी हमारे पास टाइम है, 20-25 दिन पड़े हुए हैं, तो उम्मीद है एक अच्छा यहाँ से हमें जो है वो रिवॉर्ड मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो, आज का टॉपिक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जहाँ कोई बात समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर, अल्लाह हाफिज़।